सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए पाठ नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कृषिका है करमवीरा है। कृषिका, कृषिका का मतलब होता है किसान। करमवीरा यानी बाधाओं में भी काम करने वाला, बाधाओं में भी अपने कर्म करने वाला, यानी संकट का समय हो, जैसे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो चाहे धूप तेज हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन किसान जो होता है वो अपना कर्म करता ही है। तो वह संकट के समय में भी और अपनी बारिश के समय में भी अपना सारा काम करता ही है। उसके लिए सभी ऋतुएँ सभी सब एक समान ही रहते हैं। तो पहला श्लोक है बच्चों, सूर्य इस्पतु में काहे वावृषन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले कर्मठो। इसका अर्थ हुआ सूर्य इस्पतु यानी जब सूर्य तेज होता है, सूर्य तपता है, जो बादल होते हैं वा वृषंतु विपुलम जलम, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए यानी बारिश हो, किसान और उसकी पत्नी, कृषिका और कृषिको, कृषिका मतलब किसान, कृषिको मतलब उसकी पत्नी, दोनों हमेशा नित्यम शीत काले पे कर्मठ हो, यानी दोनों सर्दी गर्मी बारिश सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम में लगे रहते हैं। ग्रीष्म शरीरम सश्वेदम सीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तुष्टक्षेत्राणि कृषतः। ग्रीष्मी, ग्रीष्मी का मतलब होता है गर्मी में उनका यानी किसान और किसान की पत्नी का शरीर जो होता है वो सवेदम यानी पसीने से युक्त हो जाता है, पसीने से लथपथ रहता है, सर्दी में ठंड से कांपता रहता है, फिर भी वे दोनों हल और कुदाल में सदा खेतों को जोतते रहते हैं। तीसरा है पाद्योर्ण पत्राणि शरीरे वशनानीनो निर्धम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठते। इसका अर्थ होता है पैरों में उनके जूते नहीं है, पाद्योर्ण यानी उनके पैरों के अंदर क्या नहीं है, जूते नहीं है, पत्राणि यानी जूते, पद त्राणे मतलब जूते, शरीर वसनानी नो और शरीर पे वस्त्र नहीं है, उनका जो जीवन है बहुत ही निर्धन यानी गरीब है, कष्ट में है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है, फिर भी वो हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम तथापि करम वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी अंदर आने से, जो बारिश का पानी वो अंदर भी नहीं रोक सकता, फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा देखिए, वो कभी भी जो उनके कर्म है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य प्रूणानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुषिका कंठ का व्रता। कंठ कार्वता मतलब होता है कांटों से परिपूर्ण। तयो श्रमेण यानी इसका मतलब होता है उन दोनों यानी किसान और किसान की पत्नी, परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त हराई भरे लहराते रहते हैं, जो धरती सुखी और कांटों से परिपूर्ण होती है वह भी हरी भरी हो जाती है। लास्ट है शाकम फलम दुग्धम दत्वा सर्वे भय एवतौ क्षुदा तृषा कूलो नित्यम विचित्रो जनपालको। यानी शाकमन यानी फल और सब्जियां, दूध, वे दोनों किसान और किसान उसकी पत्नी सभी को सब्जी अनाज फल और दूध देकर स्वयं भूखे और प्यासे से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक और अभिभावक हैं अपने, अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तुएं
उपलब्ध करवाते हैं और स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए जब उत्पादन करते हैं तो उनको भूख प्यास उनकी कोसों दूर रहती है। इसलिए हमें कभी भी भोजन है वो जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से किसान उसको उगाता है और वो हमारे पास आती है। ठीक है बच्चों, ये श्लोक आपको पुनः पढ़ने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं।